इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इन वेरी ग्रेट डिटेल कि अगर आप NLSIU बैंगलोर से अपना LLM परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपका जो प्लेसमेंट है, सेट इनटेक है, फैकल्टी किस तरीके की है, आपका कैंपस एनवायरमेंट किस तरीके का है, आपको पढ़ाई किस तरीके की मिलेगी, कौन सा मतलब जो चीजें अच्छी हैं कॉलेज में, कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, सारी बातें इन डिटेल हम लोग करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपकी वीडियो काफी ज्यादा एक्यूरेट और टू अप टू डेट है आपका, बिकॉज ये जो बेसिकली वीडियो है ये मैं आफ्टर कंसल्टिंग द स्टूडेंट जो कि अभी NLSIU में अभी करंटली LLM जिन्होंने परस्यू करा है, अभी जस्ट जो पास आउट हुए उनसे कंसल्ट करने के बाद में वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है काफी एक्यूरेट होने वाली है और काफी टू द पॉइंट और बढ़िया मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट जिस बार अभी कट ऑफ है NLSIU का, अगर आप कैश सर्टिफिकेट नाम देने का सोच रहे हो तो इस बार क्या होने वाला है। तो देखिए आपका 2023 की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो 200 की रैंक पे क्लास पीजी के अंदर 200 रैंक पे यहाँ पे जो क्लोजिंग ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए हुआ है। इसके पहले 2022 में आप देखोगे तो 114 पे और 2021 में देखोगे तो 153 पे ये कहीं ना कहीं कट ऑफ इसका गया था क्लैप पीजी के अंदर। सो बेसिकली समझ में इस पे ये आता है कि अगर आप लोगों को अगर NLSIU बैंगलोर चाहिए तो हमारी रैंक अगर 100 के अंडर में आती है तो हमारा NLSIU मिलना हमें नियरली निश्चित है, पक्का है। बाकी अभी रिसेंट ट्रेंड्स में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है थोड़ी सी आगे गई है, बट स्टिल एक बिलो 100 अगर आप लैंड कर लो तो NLSIU मिलना आपको पक्का होगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि एकदम नंबर वन रैंक है इंडिया में। NLU दिल्ली और NLSIU आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं, लेकिन NLSIU जो जाता है वो टॉप पे रहता है। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ सीट इनटेक की, कितने यहाँ पे LLM की यहाँ पे सीट्स है टोटल में, तो टोटल आप देखोगे 100 सीट्स यहाँ पे है यहाँ पे एज फॉर 2023-24, जिसमें की जो ब्रेक डाउन है वो भी इस तरीके से है कि शेड्यूल जो क्लास है आपके स्टूडेंट होंगे 15% शेड्यूल प्राइस 7.5% यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका देखोगे NCL नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे लगा दिया गया है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको प्लीज देखिए ओबीसी कैटेगरी में आपको तो चाहिए चाहे सेंटर या स्टेट का जैसा भी वो है। इसके अलावा आप ये देखोगे इकोनॉमी वेपर सेक्शन के लिए 8% है, फिर अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे 5% दिया गया है। अब यहाँ पे विमेन का भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे 24% का है, मतलब सारी कैटेगरी में अपना 24% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। और फिर कर्नाटका के जो स्टेट स्टूडेंट्स है कंपार्टमेंटलाइज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिकली कि जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी के अंदर में भी जो कर्नाटका की जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको 25 सीटें यहाँ पे रिजर्व करके उनके लिए परसेंटेज में। फिर अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हो तो उसमें भी आपका यहाँ पे 25% सीटें हॉरिजॉन्टली रिजर्व है और ऐसी हर कैटेगरी में वो चलता चला जाएगा आपका कि ये रिजर्वेशन इस तरीके से वर्क करते हो। तो मतलब आप NLSIU को ये समझ सकते हो कि इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि कर्नाटका से बिलोंग नहीं करता और आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो ये मान के चलो कि 30-40 सीट यहाँ आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, या हो सकता है मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर ऑफ भी हो सकता है बट मिनिमम 30 तो आपको मिलेगा चांसेस बनते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोर्स करिकुलम की, ठीक है। तो कोर्स करिकुलम में देखो बेसिकली है क्या कि आपका पहले यहाँ पे NLSIU में क्या होता था कि आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती थी बिजनेस लॉ में और बाकी सब्जेक्ट्स में, आप इन्होंने स्पेशलाइजेशन का जो पूरा कार्यक्रम है वो खत्म कर दिया है। और इनके यहाँ पे क्या होता है कि कोर सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं आप वो वाला पढ़िए, और उसके साथ में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं अलग अलग, आप समझ लो अलग अलग फील्ड ऑफ लॉ के, चाहे इंटरनेशनल लॉ हो गया, चाहे आप बात तो करप्शन का हो गया, या फिर मतलब अलग अलग आपको इतने सारे उसमें मिलते हैं इलेक्टिव, आप सोच नहीं सकते हो बट इलेक्टिव सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो करिकुलम है वो एक ट्राइमेस्टर सिस्टम में बेसिकली वर्क करता है, तो जबकि कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें रिसर्च टेक्नोलॉजी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और गवर्नेंस आता है एंड लॉ एंड जस्टिस एंड ग्लोबलाइजिंग वर्क ये होता है पहले ट्राइमेस्टर में, और उसके बाद एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको लेना होता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका लॉ सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, और फिर दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। तो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है उसमें एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी डिसर्टेशन होगी। अगर मैं कोर्स करिकुलम की बात करूँ तो देखिए NLSIU का जो कोर्स करिकुलम है ना वो बहुत ज्यादा रिगरस और हार्ड है। आप ये समझ के चलिए कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हुए NLSIU से अपना LLM परस्यू करूंगा, देन दैट इज अ वेरी वेरी बैड आइडिया, सच बता रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आप जब आए हो तो आप ये समझ के चलो कि इस वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ पे जो प्रोफेसर है वो इस चीज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप प्रॉपरली रिसर्च में और जो बाकी यहाँ पे समझ NLSIU में क्लब्स होते हैं बहुत सारे मल्टीपल तरीके के, जहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपको बेसिकली अलग अलग उसमें रिसर्च का और बाकी उसको मौका मिलता है। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि जब आप वहाँ पे एंट्रम अपना कर रहे हो तो आप अपना काफी टाइम जो एक्स्ट्रा क्लिनिकल चीजें और जो आपका रिसर्च है जो आपकी पढ़ाई है उस पर अच्छे से डेडिकेट करो, ताकि जो एलिजिबल की डिग्री आप वहाँ पे लेने जा रहे हो
उसको आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ यार मैंने एनएलएस से अपनी डिग्री ली है और उसका जो करिकुलम था उसमें आपका 100% दिया। तो अगर आप ऋषि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली एक स्टूडेंट हो, चाह रहे हो जाना, मैं तो कहूंगा उतना अच्छा आइडिया ये उतना नहीं रहेगा। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ इस चीज के ऊपर कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या एनएलएस का रहने वाला है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने ये नोटिफाई करा है कि जो एडमिशन फीस है वो वन टाइम 11,000 है। फिर टोटल फीस आपकी यहाँ पे पर एनम 2,55,000 इन्होंने बता दिया। उसके अलावा कुछ डिपॉजिट वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। तो टोटल आपकी जो फीस है जनरल के लिए एस सी एस टी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 269 है और यहाँ पे 273 है उनके लिए। फिर अगर इसमें हॉस्टल वगैरह थोड़ा मिला दो, बाकी चीजें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे, तो आपका यहाँ पे 3,36,000 तक, जो बेसिकली मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि इतना फीस यहाँ पे चली जाती है, इससे कम आप मान के मत चलना। बट 273 तो एक जो इन्होंने खुद अपने उससे मेंशन करा वो है। बाकी इन्होंने रेजिडेंशियल वाला ये आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन था कि जुलाई बेसिकली जून 2023 तक बताएंगे, उसको इन्होंने अभी नोटिफाई करा दी। तो वेबसाइट पे या फिर जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उसको कमेंट में नीचे बता दूंगा कि भाई यहाँ का फीस स्ट्रक्चर पक्का पक्का वाला ये है। बाकी मुझे 336 का जो स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म करा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ एक चीज और, यहाँ पे स्कॉलरशिप जो होती है एनएलएस में वो यहाँ पे बहुत मतलब एक चांस होता है आपको मिलने का। मान लो आपकी रैंक अच्छी आई है और आप मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप अगर अपना प्रॉपरली केस प्रेजेंट करते हो यूनिवर्सिटी के सामने, तो फिर वो लोग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देते हैं। जस्ट द फैक्ट कि उस स्कॉलरशिप को अवेल करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कंपैरेटिवली, जो स्टूडेंट्स ने अपना बताया एक्सपीरियंस मतलब काफी हार्ड रहा उनके लिए स्कॉलरशिप को अवेल करना, बट स्कॉलरशिप डेफिनेटली दी जाती है। तो फिर आप जो है प्लीज इस चीज को देख लीजिएगा कि क्या जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो कि क्या क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, क्या ये लोग देते हैं, कैसे होता है, थोड़ा पता कर लीजिएगा उसके हिसाब से। फिर इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि आप इस बार मान लो क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको संभव लॉ की जरूरत है हेल्प की, तो आप डेफिनेटली हमारे चैप्टर प्रिपरेशन कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। आप हमारा रिजल्ट भी देख सकते हो इस कोर्स में बेसिकली 4899 के अंदर। हम लोग आपको पूरा जो सिलेबस है क्लैट पीजी का वो आपको वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में कवर करके दे रहे हैं, अलॉन्ग में 70 मॉक पेपर जिसमें सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर अलग से इंक्लूडेड है। और उसके अलावा भी आप ये समझ लीजिए कि जो आपके केस लॉज चाहे रिसेंट हो चाहे लैंडमार्क हो, उसके पूरे प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल पूरा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप जैसे भी पढ़ना चाहो आपके ऊपर है, मतलब आप अपना देख सकते हो स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में। सो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्राई आउट उस चीज को कर सकते हो। एक्चुअली इसके आगे बात कर लेते हैं और चीजों के बारे में कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होनी चाहिए। तो देखिए बेसिकली जो एग्जाम होता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है। इसलिए मैंने बेसिकली बहुत ही एक्सपेंसिव वीडियोस अपने चैनल पर बना के रखी हुई है, दूसरे चैनल से देखे समो ब्लॉग। यहाँ पे आपको मैं पूरा बताता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। लेकिन अगर आप जनरल आइडिया लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे 23-25% पेपर बिजनेस लॉ से, 20-30% क्रिमिनल लॉ से, 30-35% यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और उसके एंसिलरी सब्जेक्ट से आता है। और फिर अदर्स में आपके फैमिली इंटरेक्शन और जुरिसप्रूडेंस से 30% पेपर आता है। तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम का वो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करना है क्या करना है, तो आप संभव लोग को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस जो है जिसके ऊपर उन्होंने पूरा अपना डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया कि कैसे तैयारी करनी है कोर्सेज आप देख सकते हो। इसके आगे मगर बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टची टॉपिक के बारे में कि भैया प्लेसमेंट एनालिस्ट का क्या रियलिटी क्या है। देखिए ये यहाँ पे जो मैंने डेटा निकाल के रखा है ये है नर्व का डेटा। नर्व के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2018-19 और 20 का जो बैचेस है उनकी यहाँ पे सिलेक्शन हुई है। 7,00,000, 6,30,000, 6,00,000 यहाँ पे प्लेसमेंट इन लोग का मीडियम जो सैलरी वगैरह है वो गई। अगर मैं एक्चुअल बात करूँ कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा कि भाई वहाँ पे क्या प्लेसमेंट का क्राइटेरिया कैसे, तो यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे जो यहाँ पे कॉलेज है उनका यहाँ पे खुद का एक प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स द्वारा रन किया जाता है। और ये जो प्लेसमेंट सेल है इसका आप ये समझ लीजिए बहुत कोई क्राइटेरिया का बहुत ही अच्छा रोल नहीं है, बट ये लोग आपकी हेल्प बेसिकली स्टूडेंट बना के करते हैं, अपना हेल्प जरूर करते हैं। कॉलेज का जो पुश है वो इस तरफ है कि हाँ भैया जो एकेडमिक टाइप की जॉब्स है ना वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा पुश किया जाता है कि आप उस तरफ जाओ थोड़ा सा। बाकी आप चाहो तो रिसर्च या फिर जो थिंक टैंक्स होती है पॉलिसी रिसर्च इन सब में भी आप जा सकते हो। हाउस काउंसिलिंग के लिए अगर आप मान लो जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है कभी कभी ऑफ कैंपस कभी कभी ऑन कैंपस, लेकिन एनएलएस से डिग्री होने का तो काफी ज्यादा एक अच्छा बेनिफिट तो होता है। बहुत ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज तो नहीं आपको मिलेगी बट यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे जितनी समझ लीजिए 6-9 लाख रुपए जो मैक्सिमम मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करा गया तो यहाँ पे एनएलएस में दिया जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कैंपस की और बाकी जो और भी ऐसी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए एनएलएस के बारे में। सबसे पहले अगर कैंपस की बात कर रहे हैं तो ये आपका बैंगलोर जो शहर है उसके बीचों बीच आपका एनएलएस का कैंपस समझ लीजिए पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी कि ना आपको कोई चीज मिल नहीं रही है या फिर मान लो कुछ खरीदना है या कहीं जाना है, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे थोड़ी सी हाई होने वाली है बिकॉज बैंगलोर इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो इस बात का ध्यान रखिए जाएगा कि आपका जो बजट है ना
उस हिसाब से एडजस्टेड हो कि बैंगलोर के हिसाब से मैं अपना जो लाइफ है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कि कैंपस के अंदर ही आपको कैफेटेरिया और यहाँ पे कैफेज वगैरह थोड़े से मिल जाते हैं, कैंपस जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैंपस यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपेयर टू नलसार, ठीक है, वहां का जो कैंपस है वो थोड़ा सा बेटर बिल्ट है, थोड़ा बढ़िया वहां पे वो है। बट अगर लाइब्रेरी वगैरह की बात करें, काफी ज्यादा बढ़िया लाइब्रेरी है, काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस जो एक बात मान लो कि आपको जो बाकी चीजों का एक्सेस करें, लाइब्रेरी एक्सेस, तो वो सब काफी बढ़िया मिलेगा। बस थोड़ा सा एवरेज आप समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंपस काफी अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइब्रेरी वगैरह भी क्वाइट गुड, रिसर्च के लिए काफी आपको बढ़िया बुक्स सब कुछ यहाँ पे मिलती है। बस उतना मैं कहूंगा बढ़िया उतना कैंपस आप थोड़ा सा कह सकते हो नहीं। कंपैरेटिवली मैं अगर बात करूँ इस चीज की कि यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं, जैसे मान लो अगर आप बात करते हो करिकुलम की थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें, तो देखिए करिकुलम में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इस चीज से फोकस रखा जाता है कि आपको ना थोड़ा सा एकेडमिक साइड के हिसाब से ट्रेन किया जाए पहली चीज। उसके अलावा जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी काफी यहाँ पे वो होता है, और एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च के ऊपर काफी ज्यादा इंग्लिश में ध्यान दिया जाता है। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि रिसर्च करना पसंद है या फिर अपनी रिसर्च स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए आपको अलग अलग यहाँ पे पॉलिसी रिसर्च के, और जैसे आईपीआर का रिसर्च का एक पूरा सेंटर है, यहाँ पूरा ग्रुप है, फिर मतलब सरकार के द्वारा काफी टाइम्स है, काफी वो है, जिसकी वजह से ना काफी आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के एरिया ऑफ लॉ में रिसर्च कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो इस वजह से एनएलएस का जो एक आप कह सकते हो ओवरऑल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जा रहे हो वहां पे, अगर आपको किसी भी फील्ड में अपना अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिसर्च करना है, कुछ भी करना है, आप बहुत बढ़िया सीख सकते हो। प्लस आपको जो प्रोफेसर मिलते हो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, काफी ज्यादा यहाँ पे ऐसा होगा कि जो आपका लेवल ऑफ रिसर्च है, जो एकेडमिक राइटिंग है और जो डिसर्टेशन वगैरह आपसे मांगी जा रही है उसमें प्रॉपर आपको यहाँ पे रिसर्च करके, जैसे कहते हैं ना प्लेजरिज्म रिपोर्ट सबमिट करना एक्सटेंसिव होना चाहिए, और वो लोग मतलब काफी ज्यादा आपको जिसको कहते हैं ग्रिल और आपको काफी ज्यादा ग्राउंड करेंगे। तो इस बात को मान के चलना कि यूजीसी की तैयारी करना यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। और साथ में ये समझ के चलो कि ट्राइमेस्टर सिस्टम, तो 3 सेमेस्टर आपको यहाँ पे देने हैं, उसमें फिर आपके ट्राइमेस्टर में बेसिकली एक सेमेस्टर फिर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम। तो उस समय से आप समझ सकते हो कि हर समय ना आप कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी चीज में आप लगे ही हुए हो, तो काइंड ऑफ जुडिशरी का थोड़ा सा प्रिपरेशन यहाँ पे कठिन होता है। प्लेसमेंट का जैसे मैंने था आपको मैंने बता ही दिया कि प्लेसमेंट भी यहाँ पे होते जरूर है, उतने नहीं होते, 6 से लेकर 9 लाख रुपए की जॉब आपकी लग सकती है। थोड़ा सा अकेडमिक टाइप की तरफ यहाँ पे पुश रहता है लोगों का, मतलब वहाँ पे कॉलेज का, हाँ भाई आपको जॉब लगे आप पॉलिसी के तौर पर जॉब कर सकते हो, स्पॉन्सर के तौर पर जॉब कर सकते हो, कॉर्पोरेट उसमें ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी आप अगर ऑफ कैंपस भी जाते हो तो ऑफ कैंपस भी आपको मौके मिलते हैं, मान लो कॉर्पोरेट लॉ में वैसे भी करना चाहते हो, देन डेफिनेटली देर आर चांसेस कि आपकी अगर प्रायर इंटर्नशिप्स या वो है तो आप एनएलएस से अपनी डिग्री लेके डेफिनेटली एक अपना स्टेप है जा सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपका जो लाइकनेस है वो किस तरीके से क्या, किस तरीके से चीजों को चलाना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो किसी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, उन फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए जो कि यहाँ पे एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली और चाहते हैं कि यहाँ पे हाँ भाई हमारा जो क्लैट पीजी है वो अपना बढ़िया से सब कुछ हो, उनको ये चैनल जरूर पसंद चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस।